सब्सक्राइब करें हमारा भारत चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं आगे आने वाली सारी वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारा भारत चैनल पर एक और फ्रेश वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे स्वराज 717 2020 के नए मॉडल के बारे में कि इसमें कंपनी ने क्या फीचर दिए हैं, क्या इसकी कीमत है और कैसा ये काम करता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखते रहिए पूरी वीडियो को एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपने व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर कर देना ताकि लोगों को पता चले कि क्या नया है इस ट्रैक्टर में। सबसे पहले इसके नए फीचर की बात कर लेते हैं, फिर इसके स्पेसिफिकेशन और प्राइस की बात करेंगे। 717 जो नया मॉडल है, इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं ताकत की विरासत, नया स्वराज 717। फीचर है इसके नए, एक तो इजी गियर शिफ्टिंग दी है, मतलब ऑपरेट करने में बहुत कंफर्ट है, गियर साइड में दिया हुआ है तो शिफ्टिंग ऐसी करी है कि बढ़िया है। एडजस्टेबल साइलेंसर है, जो कि जैसे कि बाग बगीचियों में आप काम करते हैं तो टहनियां नीचे होती हैं, तो इसकी वजह से साइलेंसर अड़ेगा नहीं, उसको उतारने की जरूरत नहीं है, उसी तरह से एडजस्ट किया है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब जो सारे मीटर वगैरह हैं वो डिजिटल दिए हुए हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और दिखाई भी अच्छा देता है उनके अंदर। एप्लीकेशन चलाएगा ये, कल्टीवेटर पर आप बढ़िया चला सकते हैं इसको, टीलर जो बोलते हैं। हॉलेज ढुलाई के मामले में सही है, किसी भी ट्रॉली वगैरह को जोड़ के आप बढ़िया चला सकते हैं, और रोटरवेटर पे अच्छा काम करता है। बड़ा रोटरवेटर 12 फीट 10 फीट का तो नहीं चला पाएगा ये, लेकिन 7 फीट तक के को आराम से खींच सकता है। अब इसका स्पेसिफिकेशन करते हैं, उसके बाद में इसके प्राइस के बात करेंगे। तो ये है 15 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, 4 स्ट्रोक का डायरेक्ट इंजेक्शन का डीजल इंजन है और एक सिलेंडर है। 2300 RPM है इंजन के, और एयर क्लीनर इसका 3-स्टेज ऑयल बाथ टाइप दिया है। कूलिंग सिस्टम इसका वाटर कूल्ड है, पानी से ठंडा होगा, और क्लच है इसमें सिंगल दिया है 199.8 mm का डायमीटर। 6 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स के गियर हैं, और इसकी फॉरवर्ड की स्पीड है 2 से लेके 25 तक की, और रिवर्स की है इसकी 2 से लेके 5 तक की। PTU है इसमें 540 RPM है 2053 इंजन RPM के साथ। इसके ब्रेक जो है ड्राई डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। स्टेरिंग इसका स्टैंडर्ड आता है, जो मैकेनिकल ही स्टेरिंग है इसमें। हाइड्रोलिक की बात करते हैं इसके, तो हाइड्रोलिक का जो सिस्टम है लाइव हाइड्रोलिक दिया है, और 780 किलोग्राम की इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है, और लिंकेज इसका 3-पॉइंट लिंकेज है। और टायरों की बात कर लेते हैं, तो इसके जो फ्रंट के टायर आते हैं वो 5.20x14 5x14 के बोल देते हैं, और दूसरे जो रियर के हैं वो 8x18 के आते हैं। इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं, तो 12 वोल्ट की 50 AH की बैटरी दी गई है स्टार्टर मोटर और अल्टरनेटर के साथ। वेट है ट्रैक्टर का 850 किलोग्राम, और व्हील ट्रैक है फ्रंट का 940, और व्हील ट्रैक जो रियर का है वो 1000 STA, यानी कि 1040 mm, और पीछे का 1120 mm। ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 260 mm का। अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों स्वराज 717 2020 का जो नया मॉडल है, इसका प्राइस है 260 से 285 के बीच में पड़ेगा। एक्सोरूम का ये प्राइस है, ऑन रोड में आपको ये 3 लाख का भी पड़ सकता है, 10-20 हजार रुपए ऊपर नीचे होते हैं इसके, क्योंकि इंश्योरेंस RC वगैरह का खर्चा आता है और स्टेट का भी टैक्स का अंतर आ जाता है। तो कोई सवाल हो इसके रिगार्डिंग मन में तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा या कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं नए एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।